हम लोग सिलेबस खत्म कर चुके हैं, लेखन कौशल की प्रैक्टिस हो चुकी है, व्याकरण इस बार सेकंड टर्म में नहीं है, और चैप्टर्स हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं, राइट? युग प्रॉब्लम कुछ? हाँ जी बेटा, वो मैम को आप पीस कब सेंड करनी है? मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो चैप्टर हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए हुए हैं। पहले हमने चैप्टर रिवाइज किया था तुम कब जाओगे अतिथि, और आज हम गिल्लू चैप्टर रिवाइज करने लगे हैं। ओके, आप लोग अपनी कॉपीज मुझे भेजनी शुरू कर दो। जो दो चैप्टर्स हमने इस बार किए हैं वो भेजना, साथ में राइटिंग स्किल्स जो आपने विंटर ब्रेक में लिखी हैं, राइटिंग स्किल्स सारा एक साथ भेज देना अब। ओके, ताकि चैप्टर्स और राइटिंग्स सबकी चेकिंग हो जाए साथ ही में, राइट? सो सेंड दैट वर्क। ओके, चलिए शुरू करने जा रहे हैं बेटा। पाठ गिल्लू, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ है। आपको पता है महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाली लेखिका, आपने इनका पहले भी पाठ पढ़ा था 7वीं कक्षा में, नीलकंठ। आई होप आप लोगों को याद होगा, मोर मोरनी के बारे में था, नीलकंठ और राधा कुब्जा, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका के घर में बड़ा जाली घर था जिसमें पशु पक्षी रहते थे, ठीक है? इस पाठ में भी हमने पढ़ा था कि गिल्लू जो है किस प्रकार से लेखिका उसे उठाती है, उसे ठीक करती है, उसकी मरहम पट्टी वगैरह करती है, उसे पानी दूध पिलाती है। कौन मुझे बताएगा इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? रेज योर हैंड्स। ओके, हाँ जी वाह, गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। सोनजुवी में लगी पीली डाली को देख एक बार लेखिका को उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो वहां छिपकर बैठता था, और अब वह सोच रही है कि वो सोनजुवी की जड़ जड़ में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। वह जीव एक बार कोए ने गिल्लू के एक छोटे बच्चे को चोंच मार मार कर जख्मी कर दिया था। गिलहरी गिलहरी गिल्लू गिलहरी को के गिलहरी के गिलहरी के बच्चे को चोंच मार मार कर जख्मी कर दिया था। कोए को एक साथ समादृत और अनादृत कोए नहीं कौए कोए नहीं है कौए कौए को कौए एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के समय हम कौआ हमारे पूर्वजों के रूप में आता है और खाना ग्रहण करके जाता है, और उसे अनादृत प्राणी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी कर्कश ध्वनि किसी को अच्छी नहीं लगती। गिलहरी का बच्चा बहुत घायल हो गया था और लेखिका उसे अपने घर ले गई थी। लेखिका ने उसे पेंसिलिन की मलम पट्टी की और वह उसके मुंह में दूध टपकाने की कोशिश की, परंतु वह बूंद बाहर गिर गई। और थोड़ी देर बाद उसने लेखिका ने गिल्लू गिलहरी के बच्चे को एक बूंद पानी पिलाया, और फिर गिलहरी के बच्चे ने लेखिका का हाथ लेखिका की उंगली कसकर पकड़ ली। थोड़े थैंक यू थोड़े दिन बाद ईवा, थैंक यू सो मच, वेल डन, वेरी गुड। इसके आगे कौन कंटिन्यू करेगा? कौन कंटिन्यू करेगा? एनीबडी? नो वन, किसी को भी नहीं पता इसके आगे क्या हुआ था? थोड़ा बहुत कुछ पता हो, थोड़ी बहुत कुछ कहानी। ईवा ने दोबारा हाथ खड़ा किया कि मुझे आगे का भी पता है, तो मुझे से पूछ लीजिए। ओके, हाँ जी योग मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? रमनीक, आ रही है मेरी आवाज? थम शो करो अगर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है योग? प्लीज आप अपना माइक चेक करें एक बार और अपना कनेक्शन चेक कीजिए बेटा, प्लीज।
हैंड रेस करो, कौन आगे की कहानी बताएगा जो ईवा ने बताया उसके बाद? एनीबडी? नो? ओके, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इसके आगे की कहानी फिर पता चलेगी। चलिए एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, जो हम पढ़ लेते हैं ना उसको भूला मत करो, उसको छोड़ा मत करो। आगे आगे भागते रहते हैं, पीछे का छोड़ते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ओके, गिल्लू महादेवी वर्मा। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही, पीले रंग का पौधा, फूल। सोन जूही पीले रंग का फूल होता है, उसमें एक पीली कली लगी है। कली मतलब बर्ड, एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास, अनायास मतलब अचानक ही, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था। यहां गिल्लू की बात हो रही है, छोटा सा प्राणी, लघु जीव, लघु प्राण, छोटा सा जीव जो इसकी हरियाली में, हरितिमा मतलब हरियाली में छिपकर बैठता था। जब लेखिका ने पीली कली देखी तो उसे उस प्राणी का स्मरण हो आया। ये स्मरण क्यों होया हो आया उसको, ये हम लास्ट में जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कहती है जब वो मेरे साथ था तब मुझे कली की खोज रहती थी, मैं देखती थी कब इसमें कलियां निकलेंगी, कब पीले फूल निकलेंगे, लेकिन आज जब उसमें कली निकल आई है तो मुझे उस लघु प्राण की याद आ रही है, उस जीव की याद आ रही है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। जो लघु प्राण था, जो जीव था, यानी कि गिल्लू, वो कहती है वो सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि जब गिल्लू की मृत्यु हो गई थी उसे उसी में दबा दिया गया था। सोन जूही का जो पौधा था उसकी जड़ों में दबा दिया गया था उसकी मृत्यु होने पर। तो लेखिका ने कहा कि दफनाए जाने के बाद अब वह मिट्टी होकर उसकी जड़ों में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम मतलब सोने जैसी, सोने का रंग होता है पीला, सोने जैसी मतलब वो कहती है शायद ये स्वर्णिम सोने जैसी पीली कली के बहाने वही शायद मुझे चौंकाने आया है, वो उसमें मिल गया था, शायद अब वही इस कली के रूप में खिलकर आ गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौए एक गमले के चारों ओर चों चों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी मतलब कौआ, विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, इसे सम्मानित भी करते हैं और इसे अपमानित भी किया जा सकता है, विचित्र पक्षी है। अब कारण बताया है कि क्यों। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना पड़ता है मतलब प्रकट होना पड़ता है। अब वो किसी और रूप में नहीं आ सकते, उन्हें कौवा बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश मतलब जो कानों को अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। एक तो जो कौवे हैं वो पितृ पक्ष में हमारे पुरखों के रूप में आते हैं, और जो कौवा है घर में किसी के आने का संदेश अपनी ध्वनि से देता है, इसलिए उसे समादरित यानी सम्मानित रूप में देखा जाता है। और यही कौवा जब काव काव करता है
तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसका अपमान भी होता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। कहती है गमले और दीवार दोनों के बीच में एक छोटी सी जगह थी जहां पर एक छोटा सा जीव था, उस पर मेरी नजर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ मतलब आसानी से, आहार मतलब खाना। वो छोटा सा जीव है, वो भाग नहीं सकता, इनसे डरा हुआ है और कौवे उसमें अपना खाना ढूंढ रहे हैं, यानी कि उसको मारकर खा जाना चाहते हैं। काक द्वय काक द्वय, काक मतलब कौवा, द्वय मतलब दो, दो कौवे, दोनों कौवे। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। दोनों कौवे ने अपनी चोंचों से उस पर प्रहार किया था, इसलिए वह बेहोश सा होकर गमले के साथ चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, इसलिए इसे रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने लेखिका की उंगली भी पकड़ी और इधर उधर भी देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब चिकने, उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। विस्मित मतलब हैरान। 3-4 महीने का जब वो हुआ तो बड़ा हो गया था और उसके जो पूंछ थी झब्बेदार हो गई थी, चिकने चिकने उसके रोए हो गए थे और आंखें चमकीली हो गई थी कि सब उसे देखकर हैरान होते थे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। ये मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था ना कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देना का क्या मतलब है, कि जातिवाचक मतलब गिलहरी, गिलहरी कोई भी गिलहरी हो सकती है, अब एक खास गिलहरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे दे दी गई, यानी उसका नामकरण कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। डलिया मतलब टोकरी, फूल रखने वाली छोटी सी एक टोकरी थी, उसमें रुई को बिछाया और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या उपाय था, कौन बताएगा मुझे, क्या उपाय निकाला था उसने? रेज योर हैंड्स। किसी को भी नहीं पता क्या उपाय निकाला था उसने, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या उपाय निकाला था? यस पनिका,
बोलिए पनिका। बहुत ही तेजी से पर्दे पर चढ़ता और उतनी ही तेजी से वो नीचे आता और लेखिका के पांव के पास आकर रुक जाता। ओके गुड। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात, लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर, उसका सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। वो कहती मैं एक लंबे से लिफाफे में उसको ऐसे डाल देती थी कि जिसमें से उसका मुंह बाहर आ जाता था और उसके पंजे बाहर आ जाते थे, बाकी सारा का सारा वो लिफाफे के अंदर ही रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। जब बसंत आया तो खुशबू आने लगी। उसके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे ना, तो नीम और चमेली की खुशबू आने लगी। और कहती है कि जो बाहर की गिलहरियां थी वो गिल्लू की खिड़की के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने जब बाकी गिलहरियों को चिक चिक करते हुए देखा और ये ध्यान से देखा कि गिल्लू भी बाहर अपने पन से उन गिलहरियों की ओर देख रहा है, तो उसे लगा कि इसको अब छोड़ना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। हमने पढ़ा था ना लेखिका के घर में बहुत सारी बिल्लियां थी, कुत्ते थे, बहुत सारे जीव थे, है ना? किसी को याद है उसकी बिल्ली का क्या नाम था? हमने पढ़ा था नीलकंठ पाठ में, किसी को याद हो? ओके हाँ जी अपरन। मैम शायद कुब्जा। नहीं, कुब्जा तो मोरनी थी जिसे वो बाद में लेकर आई थी। बिल्ली का नाम था चित्रा। उसकी जो बिल्ली थी उसमें से एक बिल्ली का नाम था चित्रा और उसके पास जो अल्सेशियन डॉग्स थे उनमें से एक का नाम था कजली। ओके चलो आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। हर रोज ऐसा ही होता। लेखिका कॉलेज से आती, दरवाजा खोलती, गिल्लू उसके ऊपर चढ़ जाता, सिर तक जाता, सिर से पैर तक आता, फिर सिर तक जाता, फिर पैर तक आता। हर रोज का यही काम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि वह समय लेखिका के आने का था। 4 बजे तक लेखिका आ जाती थी तो वह भी 4 बजे तक वहां से आ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी।
कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता। वो कहते हैं मुझे नहीं याद कि इतने सारे पशु पक्षियों में से कभी किसी ने मेरी थाली में से खाया हो। गिल्लू इनमें अपवाद था, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, कि वह लेखिका की थाली में से भी खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य मतलब खाना, काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता, उसे काजू ही अच्छे लगते थे। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका का एक्सीडेंट हुआ, मोटर एक्सीडेंट हुआ और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब दरवाजा खुलता तो उसे लगता शायद लेखिका है, लेकिन जब वह देखता कि लेखिका नहीं कोई और है तो दोबारा से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, लेखिका को मिस कर रहा था, इसलिए उसने काजू भी नहीं खाए। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब सेविका, नौकरानी, जैसे कोई सेविका पास में बैठी काम कर रही हो और अचानक से उठकर चली जाए। लेखिका कहती है मुझे ऐसे महसूस होता था, मेरे सिरहाने बैठा रहता था, मेरे सिर में मेरे बालों में हाथ फेरता रहता था और जब वह कभी उठकर जाता तो ऐसे लगता कि शायद कोई परिचारिका उठकर चली गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जब लेखिका दोपहर को काम करी होती थी तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था और अपने झूले में बैठा रहता था और उसके पास, लेखिका के पास जो सुराही पड़ी होती थी, पता ना सुराही मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी डालते हैं तो घड़ा बाहर से ठंडा हो जाता है, उसके पास बैठता रहता, उसे ठंडक मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, गिलहरियों का जो जीवन है वो 2 साल का ही होता है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मतलब मृत्यु के समय, उस समय भी उसकी ऐसी अवस्था थी ना जब कौओं ने उसे चोंच मारी थी तो वह मरने जैसी स्थिति में था। उस समय जब वह ठीक हो रहा था तो जिस उंगली को उसने तब पकड़ा था आज फिर लेखिका के उसी हाथ की उसी उंगली को पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका ने हीटर चलाया और उसे ऐसे लगा कि शायद इसे गर्मी लगेगी, गर्मी मिलेगी तो थोड़ा ठीक होगा, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है
और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वसंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहती है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे उसी सोन जूही की लता के नीचे, सोन जूही की जो बेल थी उसके नीचे उसको समाधि दी गई, उसे दबा दिया गया। उसका कारण ये था कि पहला कारण कि उसे वह बेल बहुत प्रिय थी, लता उसे प्रिय थी। दूसरा, लेखिका को ऐसा लगता था कि शायद वह वहां से एक कली के रूप में खिलकर बाहर आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में, कोई वर्ड समझ में ना आया हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो? इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, कल हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, प्रिसाइज में, और इसके क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। ओके okay?